प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले इन कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि जिन विभागों में इन नव नियुक्त कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा उसमें राजस्व, गृह, उच्च शिक्षा, स्कूली, वित्तीय सेवाएं, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और श्रम और रोजगार शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि रोजगार मेले के हिस्से के रूप में देश भर में 37 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी भर्तियां हो रही हैं। बताया गया है कि रोजगार मेला रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नई नियुक्तियां देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूती देने में योगदान देंगे, जिससे पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी।